आओ चले देश को और शक्तिशाली बनाए। नई दिशा, नई क्रांतिकारी, 21वीं शताब्दी की दौर चल रहा है। हम सबसे पहले मेरा देश, तब हम सब। राष्ट्र की नई निर्माण करें और शक्तिशाली देश बनाएं। नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, क्रांति लाएं। देश के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चले। देश में प्रगतिशील लाएं। चांद तारों से भी हम सब की सोच आगे बढ़ रही है और हम बढ़ते कदम को सलूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह देश के रक्षा, सुरक्षा और फौजियों और देश के वैज्ञानिकों को समर्पित करता है आज सुबह टाइम्स टीम। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप समझ सकते हैं कि भारत समेत विश्व भर में कोरोना का जो समस्या चल रहा है 8-9 महीने से, अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। वहीं पर आपको या दिल्ली का नजारा गामड़ी आपको दिखा रहा हूं, भजनपुरा का आप देख सकते हैं। दिल्ली में लगभग जो है कुछ न कुछ डेंगू के शिकार भी होते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर गंदगी देखा गया है और जो है कई महीनों से एमसीडी विभाग जो है हड़ताल पे थी। और आपको दिखाते चलूं कि इस समय तो कुछ न कुछ बहाली हो गई है, लोग कर्मचारी जो है अब जो है कार्य करना शुरू कर दिए हैं, साफ सफाई करना शुरू कर दिए हैं। वहीं पर दिल्ली के अंदर आपको ले चल रहा हूँ, भजनपुरा सोम बाजार के करीब में गामड़ी, और आपको दिखाना चाहता हूँ या बीचों बीच में स्थानीय कॉलोनियों के बीचों बीच में या गंदा नाला निकला हुआ है और यहाँ पर वर्षों से गंदगी रहती है, जिससे कि आम व्यक्तियों को काफ़ी परेशानी होती है। बहुत सारे गंदगी से उन्हें जो है परेशानी होती है, खाने पीने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग जनजीवन अस्त व्यस्त की नज़र से देखा जा सकता है। यहाँ के लोग स्वास्थ्य संबंधित काफ़ी जो है ग्रस्त होते हैं। और आपको बताते चलूं कि दिल्ली के गंदे नालों वाले जो आप इस वक्त इतनी गंदगी होने के कारण लोग काफ़ी परेशान और समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस कॉलोनी के बीचों बीच में जो बड़ी सी गंदगी वाला नाला गया है, बहुत ही बदबू आती है, बहुत ज़्यादा जो है शर्मसार करने वाली या जो है आप नाला देख सकते हैं कि लोगों को जनजीवन के बारे में स्वास्थ्य प्रति बहुत ही समस्याओं से जूझना पड़ता है। और यह गंदगी से हमेशा जो है खाने पीने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे गंदगी, पॉलीथीन पोटली भरा हुआ बांध कर आम व्यक्ति यहाँ पर फेंक देते हैं और यह बहुत ही जो है लोगों को साफ सफाई करने की ज़रूरत है। आज हम भी सचेत रहें, आप भी सचेत रहें, इसके बारे में लोगों को बढ़ चढ़कर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और वहीं पर किसी तरह की पॉलीथीन और गंदे नाले में न फेंकें और सभी का सहयोग करें और सभी कर्मचारियों का, सभी लोगों का। आज जो है हमें साफ़ सफाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप गंदा यहाँ फेंकते हैं तो हम सबको ही यहाँ पर गंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, इसके लिए आप जो है जिम्मेदार हों और पोटली गंदे नाले में ना फेंकें। कई तरह के आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर कई महीनों से MCD कर्मचारी हड़ताल पर थे, इसकी भी साफ सफाई भी कुछ देरी देखी गई है। वहीं पर और आपको बताते चलूं कि यहाँ पर लगभग हमेशा यही गंदगी आप देखते रहे हैं, लेकिन इसमें हमेशा गंदगी देखी जा रही है। यह आपको बताते चलूं कि खाने पीने में लोगों को, स्थानीय नागरिकों काफ़ी स्वास्थ्य प्रति समस्या हो रही है, डेंगू जैसे प्रकोप न फैले, इसलिए सरकार और MCD विभाग को विशेष तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए एक रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट आप देखिए। जी क्या नाम है सर? मेरा नाम कैलाश जोशी है जी। ये कौन सा एरिया है? ये गांवड़ी ब्लॉक। बहुत ज़्यादा गंदगी देख रहा हूँ सर इसमें। जी बहुत मच्छर वगैरह उत्पन्न हो रहे हैं, डेंगू वगैरह हो सकता है। जी क्या कहना चाहते हैं सर? देखो, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है, काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इस नाले का तो काफ़ी धीमी गति से चल ही रहा है। अगर इस काम को थोड़ा तेज़ी से कर दिया जाए। देखो सारे पूरी गंदगी फैली पड़ी है। MCD वाले आते ही नहीं यहाँ पे? हाँ, पहले तो देखा गया था, मशीनों से थोड़ा निकाल भी देते थे कोने में, और लेकिन आप काफ़ी टाइम से तो देख लो, आपको ही कुछ दिख रहा है कि कितनी सफाई हो रही है यहाँ। तो इसे जो है डेंगू वगैरह प्रकोप हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब थोड़ा भी तो मौसम सर्द है और जब गर्मी आएगी तो उसके बाद
फिर दोबारा से वही कीड़े मकोड़े इसमें हो जाएंगे, काफ़ी दिक्कतें लोगों को सामना करनी पड़ेगी। जिस तरह से महामारी फैली हुई है, जो सरकार भी 2021 में एक केस मिला है डेंगू का, जी जी, तो यही सब के वजह से मिल रहा है जी। गंदगी बहुत ज़्यादा है, बदबू आता है जी। इसका आप इसे किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? देखो जिम्मेदार तो देखो, जब काम नहीं होता तो किसी न किसी को तो इसका श्रेय लेना पड़ेगा। अगर काम सुचारू रूप से चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ साफ सफाई हो रही है, तो श्रेय भी उसी को जाएगा। यहाँ पर आपको खूबसूरती के बहुत सारे नज़ारे मिल जाएंगे देखने को। ये भी है जी जी, ये भी MCD तो बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है नज़ारों से। जी जी जी, 20 सालों से MCD ने इतना काम किया हुआ है यहाँ पर कि बस किसी से ही पूछ लीजिए। ये आपके सामने की फुलवाड़ी बनाई हुई है MCD ने, डेली बनती है, आए दिन बनती है, कूड़ा तो उठता नहीं है यहाँ पर। डेली फुलवाड़ी बनाई जाती है, वो बनी हुई फुलवाड़ी और कूड़ा पानी कितने सालों में निकलता है। सोनी आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय गामली में हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि गंदा नाला है, इस तरह से भरा हुआ है, या किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, MCD जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी है, या सभी को देखते हुए आज जिस तरह से देखा जा रहा है, हम सब कहीं ना कहीं अपने जो है कर्तव्यों से विचलित हो रहे हैं। इसे देखना भी चाहिए, जिस तरह से आज जो है यहाँ पर गंदगी देख रहे हैं लोग, MCD के लोग जो है हड़ताल पे थे, यहाँ पर थोड़ा बाहर हुई है, तो कहीं ना कहीं अब जो है इस कर्मचारियों का जो समस्या रहा है उसे बहाल करते हुए आज गंदगी बहुत सारी है। और जिस तरह से दिल्ली में डेंगू पाया जा रहा है, इसे देखते हुए आज जो है सरकार को इसे विशेष नज़र रखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में काम जो है बहुत सारी जो समस्या है, गंदगी है, और गंदगी को साफ करना भी ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह की समस्या है, हमारे साथ मौजूद है कई से ऐसे यहाँ के नागरिक, स्थानीय नागरिक, और जानेंगे। जी क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम विकास है। जी विकास जी, जिस तरह से देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा समस्या है, गंदा नाली है, और गंदा नाली के अलावा जो है डेंगू का प्रकोप जिस तरह से 2019 में 2020 में देखे हैं, आज जो है 2021 में चल रहे हैं, तो इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं? सर ये क्षेत्र के साथ जो एक तरीके से व्यवहार हुआ है, चाहे कोई भी सरकार आई है दिल्ली में, यहाँ पर एक तरीके से सुथरा व्यवहार होता है के साथ। आप चाहे यहाँ पर देखेंगे पिछले सालों में कई बार कांग्रेस की सरकार आई है, जैसे अभी पिछले वर्ष ये भी चुनाव हुए थे, उसमें हमारे से शर्मा थे पहले विधायक, अब हमारे अजय मावर आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी से हो, यहाँ पर एक सौतेला व्यवहार होता है इस एरिए के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कार्य हुआ है, कितना प्रगति है यहाँ पर, चाहे कूड़े को लेकर हो, चाहे सफाई को लेकर हो, यहाँ पर बीमारी का तो सिर्फ एक मजाक बना रखते हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे कोविड हो, चाहे डेंगू हो, कुछ भी हो, यहाँ साफ सफाई कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के साफ सफाई कागजों में चलता है, नालों का करोड़ों का सालों का बैठ पास हो जाता है साफ सफाई का, और जो सफाई होती है उसकी सफाई भी यहाँ के लोग इतना परेशान होते हैं सफाई से भी, इसका कूड़ा निकाल के लोगों के गेट के बाहर रख दिया जाता है, वो महीनों तक उठता नहीं है, सड़ता रहता है, यही कूड़ा आप देख लीजिए 3 दिन तो यही पड़े हुए हो गए, जिसे डेली निकाल के रख दिया जाएगा। 4-5 बार बोलेंगे गाड़ी वाले को तो वो कहता है कि हमारा काम नहीं है, दूसरे गाड़ी वाले आते हैं, गली वाले कहते हैं वो हमारा काम, हमें मजबूरन खुद उठा के नाले में फेंकना पड़ता है। तो विकास जी, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियाँ हैं, कर्मचारी जो हैं काम सही ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? सर ये अब वही बात है कि जो लोग रोड पे निकल आए हैं, भीड़ बकरी की तरह भीड़ निकल आए, उनकी बात तो पहुंचती है ऊपर तक, उनके लोगों की कौन बात सुनता है। विकास जी, मैं देख रहा हूँ कि आज ही कर मतलब ये गंदगी पर चढ़ करके काम करेंगे, इससे पब्लिक को नुकसान हो, उनकी कमाई हो, उनकी इनकम हो, और जहाँ साफ सफाई की बात आएगी, कहीं पैसा खर्च करने की बात आएगी, बजट की बात आ जाएगी, वहाँ उन पर शॉर्टेज हो जाती है। तो बहुत सारी समस्या जिस तरह गंदगी का है, डेंगू का, ये सब जो है सरकार को ध्यान रखना चाहिए ना। तो सरकार को तो कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, सरकार को तो अपना ही देखना जो करना है, उनकी आंखों में चमक है, तो सरकार बनने से पहले तो सरकार होती है, और सरकार बनने के बाद तो बाबूजी हो जाते हैं। सरकार इस जब पहले चुनाव होता है तो लोग जो है पांव पकड़ते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसके बाद तो उनके पास समय भी नहीं होता, उनके पांव पकड़ते हैं, उनके पास समय भी नहीं होता फिर मिलने का, फिर चाहे यहाँ पर लाइट की खराबी हो, यहाँ पर कितनी मतलब मोटर हो जाते हैं, कैमरे लगा रखे हैं, कैमरे का भी बस भगवान भरोसे काम है यहाँ पर, साफ सफाई का तो आप ये समझ लीजिए कि बस चल रहा है, यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कोरोना के नाम पर मजाक बना रखता है। MCD में जाकर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर पानी दिन में 10 बार सैनिटाइज कर देते होंगे उनके रिकॉर्ड में, यहाँ पर महीने में एक बार सैनिटाइज नहीं होता। तो ये विकास जी हैं और लगातार अपनी जो है जन समस्या बता रहे हैं, यहाँ पर जितनी गंदगी देखी जा रही है, और सरकार को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, MCD विभाग को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गामली में, और आप 3.5 पुस्ता हो चाहे 4.5 पुस्ता हो, ये सारा जो है नाली बहुत दूर तक गई हुई है, और गंदगी ही गंदगी आपको सालों साल नज़र आएगी, और वहीं पर यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी समस्याओं से पीड़ित होते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ के खान पान जो समस्याएँ हैं
वो भी प्रभाव पड़ती है। तो सरकार और एमसीडी को विशेष तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसे जो है आगे भी क्या सर एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी आते हैं जो जमादार बोलते हैं अगर हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं ना कि कूड़ा उठा के थोड़ा साइड कर दीजिए या आगे कर दीजिए तो वो इस तरीके से हमारे ऊपर मतलब व्यवहार करते हैं जैसे वो बाबू हैं हम उनके नौकर हैं वो कहते हैं सर पे ले जाओ अपने रख के इधर ले जाओ तुम्हारा कूड़ा है तुम्हारे आगे रखेंगे सही व्यवहार नहीं रखते बिल्कुल व्यवहार नहीं उनका ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ये कोई नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के जो हमारी सुनेंगे तो उल्टा बाबू बन के हमारे ऊपर ही दोष जानते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास मेरा मिशन स्वच्छ भारत स्वच्छ जीवन आओ चले स्वच्छता की मेरी खास रिपोर्टिंग। आखिर में गांव हो या शहर हो या कस्बा हो या गली मोहल्ला हो हम सब की जन जन की आवाज़ लेंगे कितना साफ और सुथरा है हम इसे भी जानेंगे। अपना शहर अपना देश सुंदर हो स्वच्छ हो आइए हम सब एक मिशन चलाते हैं हम तो आवाज़ उठाएंगे और आपकी शासन प्रशासन को भी बताएंगे और अपनी समस्या आप तक जरूर बताएंगे। मैं पहुंच रहा हूं भारत का नक्शा मैं आ रहा हूं आपकी जन समस्या सुनने मेरी यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें सुंदर रहें अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ आप अपना ख्याल परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।